स्वागत है आपका एक और नेट एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हमारे पास है यहाँ पे गैलेक्सी A62 और मोटो G5G जो मेरे हाथ में नहीं है, बट उसकी फोटोज़ आपके पास आ जाएंगी सामने। इसमें हम डिसाइड करेंगे कि दोनों में से किसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों अपर मिड रेंज है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल प्राइस पे हैं 20 और 25 के आसपास। और देखेंगे कि ह्यूमन शॉट्स, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, जितने भी डिफरेंट सिनारियोज है उसमें कौन सा कैमरा कितना अच्छा परफॉर्म करता है, क्या F62 अच्छा है या मोटो G5G अच्छा है या सैमसंग ने खाली ऐसे नाम का ही यहाँ पे कैमरा फोन दिया है फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ। सब कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा और आपका अच्छे से टाइम पास होगा, जैसे इस स्पॉन्सर के साथ आपका टाइम पास होने वाला अच्छे से, जो कि गाना पी। गाना पी एक ऐसा ऐप है जो आपको गाने का एक पोर्शन सुनाएगा और उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना है कि ये गाना कौन सा। आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से एक गाना चूज करना। तो ये एक अच्छा गेम है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ खेलने के लिए, अगर आप लॉकडाउन में बंद हो गए दोबारा अमरावती या महाराष्ट्र या ऐसे स्टेट में, बेस्ट गेम है टाइम पास करने के लिए। और साथ में आपको ब्लॉग्स की फंक्शनैलिटी भी देते हैं जहां पे आपको बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट न्यूज मिल जाएगी। तो अगर आप एक बॉलीवुड बफ है या फिल्म के यहाँ पे थोड़े से क्रिटिक टाइप है या आप इंजॉय करते हैं फिल्म न्यूज को, गॉसिप को, तो ये ऐप आपके लिए बेस्ट है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के एंड में जाओ, नहीं तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो देख लो और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं डेलाइट पिक से और यहाँ पहले पिक जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जो कलर टोन है वो सैमसंग पे थोड़ी कूल या ब्लूइश है और जो मोटोरोला उस पर वार्मिश या येलोइश है। और डायनेमिक रेंज मुझे लग रहा है यहाँ पे सैमसंग की ज़्यादा बेटर है। सेम चीज़ आपको अल्ट्रा वाइड में देखने को मिलेगी, जहाँ मुझे लगता है कि ओवरऑल जो क्वालिटी है वो यहाँ पे सैमसंग की ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ कलर एंड डायनेमिक रेंज। बट मुझे लगता है काफ़ी लोग जो हैं मोटोरोला के कलर साइंस या वो वार्मिश कलर प्रेफर करेंगे। अगर आप उन लोगों में से एक है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता दो। मुझे देखना चाहता हूँ कि कितने लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे मोटोरोला की वार्म टोन को, हालांकि मुझे यहाँ पे सैमसंग ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसकी इसमें अगेन जो डायनेमिक रेंज है, अगर आप सन की तरफ देखोगे, सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से मेंटेन करके रखी, जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे मेंटेन करके रखे हैं, तो यहाँ मैं डेफिनेटली सैमसंग की तरफ जाना चाहूँगा। और एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि मोटोरोला ने थोड़ा कलर ब्राइटनेस भी डिम रखी है, डल रखी है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सैमसंग ज़्यादा आगे निकलता है। अल्ट्रा वाइड में भी आपको सेम कहानी देखने को मिलती है, सैमसंग शार्पर है, सैमसंग का जो HDR मोड है काफ़ी अच्छा और जो कलर्स हैं मुझे पर्सनली यहाँ पे प्रेफर्ड है, मतलब पसंद आए मुझे यहाँ पे। और इस पिक में भी अगेन आप वही चीज़ देखोगे, हालांकि यहाँ पे मैं कहूँगा कि सैमसंग ने ओवर प्रोसेसिंग की है सॉर्ट ऑफ। अगर आप घास को देखेंगे कुछ ज़्यादा ही ऐसे शार्पन करने के चक्कर में, उसका मतलब ग्रीनरी वो चली गई है, बट मोटोरोला भी उतना अच्छा नहीं है। बट थिंग इज़ कि यहाँ मोटोरोला को मैं थोड़ा बेटर बना सकता हूँ, सैमसंग को नहीं। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में मैं मोटोरोला के साथ जाना चाहूँगा। सेम चीज़ आपको अल्ट्रा वाइड में देखने को मिलेगी, मैं कहूँगा यहाँ ज़्यादा ही ओवर प्रोसेसिंग हो गई है फॉर सम रीज़न, तो मैं कहूँगा कि मोटोरोला ज़्यादा बेटर है। एक चीज़ जो नोट करने वाली ये है कि सैमसंग थोड़ा ज़्यादा वाइड है मोटोरोला से वाइड एंगल में, तो अल्ट्रा वाइड एंगल में तो यहाँ पे थोड़ा अगर आपको अल्ट्रा वाइड व्यू चाहिए तो आप सैमसंग को प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि मुझे इस केस में कलर नहीं पसंद है सैमसंग के, और इस केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे थे, बट अगेन यहाँ थोड़ी सी ओवर प्रोसेसिंग हो रही है। बट मैं कहूँगा कि ओवरऑल जो पिक्चर है यहाँ सैमसंग की ज़्यादा बेटर आई है। अल्ट्रा वाइड में भी आपको सेम केस देखने को मिल रहा है, बट मुझे नहीं समझ आ रहा वो घास को इतना लाइटिश ग्रीन क्यों कर रहा है। थोड़ी वो डार्क थी घास जितना मुझे याद है, जैसे कि आप मोटोरोला में देख सकते हैं, बट फिर भी ओवरऑल यहाँ पे मैं कहूँगा कि दोनों ही काफ़ी क्लोज हैं। दोनों से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, कोई आपको खास ऐसे मतलब डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी 64 वर्सेस 48 मेगापिक्सल की तरफ चलते हैं। सैमसंग का 64 मेगापिक्सल काफ़ी अच्छी तरह यहाँ पिक ले रहे, जो ओवरऑल डायनेमिक रेंज और क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। हालांकि मोटोरोला भी उतना ही अच्छा है, अगेन सेम डिफरेंस देखने को मिलेंगे जो नॉर्मल पिक्स में देखने को मिलेंगे, बट जब हम 10 टाइम जूम करेंगे तो हमें सामने जो लिमिटेशन है वो देखेगी 48 मेगापिक्सल की, जहाँ पे सैमसंग थोड़ा ज़्यादा शार्प है, हालांकि यूजेबल तो वो भी नहीं है, बट थोड़ा ज़्यादा शार्प है और थोड़ा ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू मोटोरोला। बट मैं ये कहूँगा मोटोरोला ने ओवरऑल जो डिटेल और ब्राइटनेस है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह से मेंटेन की है। डिटेल इन द सेंस कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, जबकि सैमसंग में थोड़ा सा नॉइजी ज़्यादा हो चुका है, तो ये मुझे समझ नहीं आया ये रीज़न क्यों था, बट आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, थोड़ी शार्पर रहेगी सैमसंग में। अभी हम मैक्रो शॉट देखते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सैमसंग उतना क्लोज नहीं आ सकता है मैक्रो शॉट के केस में, और यहाँ पे मतलब वो थोड़ा सा ऐसे उसका फोकसिंग डिस्टेंस कम है, जबकि मोटोरोला एक तो डिटेल्स भी ज़्यादा ला रहा है और वो फोकस भी मतलब बिल्कुल लो डिस्टेंस पे कर सकता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे बेसिकली। और अगर नेक्स्ट पिक में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा अगेन जो मोटोरोला है वो ज़्यादा क्लोजली और ज़्यादा डिटेल्ड यहाँ पे पिक ले रहा है कंपेयर टू सैमसंग। सेम चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, हालांकि यहाँ पे थोड़ा मेरी तरफ से फोकस का प्रॉब्लम हो गया, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि मोटोरोला ओवरऑल मैक्रो शॉट्स में ज़्यादा बेटर रहेगा। ह्यूमन सब्जेक्ट्स में चलते हैं तो ये नॉर्मल फोटो रहेगी ह्यूमन सब्जेक्ट में, यहाँ मैं कहूँगा डेफिनेटली सैमसंग का
स्किन टोन काफ़ी अच्छा है, जो ओवरऑल अगेन सीन जो है काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पे मैं कहूँगा मोटरोला ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है कंपेयर टू सैमसंग, को इतना पीछे नहीं रह रहा है। तो यहाँ मैं कुछ 19-20 का फ़र्क लेके चल रहा हूँ और मैं पर्सनली सैमसंग प्रेफर करूँगा। आप मुझे बता सकते हैं आपको अगर मोटरोला पसंद आया तो, क्योंकि ये काफ़ी क्लोज था। और अगर पोर्ट्रेट मोड में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे दोनों ने काफ़ी अच्छा किया बट सैमसंग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह हाईलाइट कर रहा है यूज़र को। और जो एज डिटेक्शन है वो भी मुझे आई थिंक लगा कि सैमसंग में थोड़ी बेटर है कंपेयर टू मोटरोला। बट सैमसंग में आपको कुछ ऐसे मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी अगर आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो ये भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। सेल्फी की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगा। मोटरोला ने काफ़ी ट्राई किया यहाँ पे पूरा एक डायनेमिक सीन बनाने का बट नहीं सक्सेसफुल रहा, जबकि सैमसंग का काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर आप स्किन टोन को देखेंगे, अगर आप ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी और डायनेमिक रेंज और कलर्स को देखेंगे, मुझे लग रहा है सैमसंग क्लियर विनर है यहाँ पे। और सैमसंग में थोड़ा वाइड शॉट भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जो कि काफ़ी एक प्लस पॉइंट रहता है, जैसे कि आपने ज़्यादा लोगों को अपनी पिक्चर में लेके आना है। और यहाँ पे अगर पोर्ट्रेट मोड देखेंगे तो पोर्ट्रेट मोड में अगेन सेम कहानी देखने को मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा मोटरोला बेकार है, बट अगर आप साइड बाय साइड देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा कि सैमसंग काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और इस केस में भी थोड़ा आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर आपको कैसी मतलब डिफरेंस देखने को मिलता है। ओके, फ्रंट फेसिंग वीडियो कैमरा का टेस्ट है दोनों F62 और मोटो जी में। आपको स्टेबिलिटी का पता चल रहा होगा, डायनेमिक रेंज का भी आइडिया और होगा, जो मुझे मोटो जी पे अच्छी लग रही है पता नहीं क्यों। और मैं चाह रहा हूँ इसमें सांस चढ़िए तो छोड़ देना थोड़ा सा, बट इसमें जो F62 इसमें आपको 4K का ऑप्शन भी मिलेगा, तो वहाँ चलते हैं सीधा। और ये 4K F62 पे और मोटो जी पे, यहाँ पे 30 FPS है फुल HD। डायनेमिक रेंज स्टेबिलिटी सब पता चल रहा होगा आपको, इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है। ये है 4K 30 FPS इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है, आपको स्टेबलाइजेशन का पता चल रहा होगा दोनों फ़ोन्स में। और ये रहा डायनेमिक रेंज टेस्ट, तो आपको आइडिया मिल जाएगा इसमें। और हाँ, यहाँ F62 में आप अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट कर सकते हैं, ये चीज़ आपको मोटो जी में नहीं मिलेगी, टोटली नहीं मिलेगी। ये है फुल HD 30 FPS का टेस्ट, ये आपको स्टेबलाइजेशन का पता चल रहा होगा कि कैसे चल रही है, इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है। डायनेमिक रेंज टेस्ट भी आपको दिख रहा होगा, दोनों में आप स्विच कर सकते हैं अल्ट्रा वाइड में, जैसे कि मैंने अभी किया। अगेन आपको स्टेबिलिटी का पता चल रहा होगा, और ये रही डायनेमिक रेंज। ये है फुल HD मोड दोनों का 30 FPS सुपर स्टेबल में। थोड़ा रन करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं रन कर रहा हूँ अभी, आपको पता चल रहा होगा आवाज़ से, बट कितनी स्टेबल फुटेज आप देख लीजिए। और ये डायनेमिक रेंज और इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है। अब थोड़ी नाइट टाइम सेल्फी की तरफ आते हैं, ये बिल्कुल लो लाइट में ली गई थी और डेफिनेटली मैं सैमसंग के साथ जाना चाहूँगा, जो ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मेरे फेस पे जो पसीना भी दिख रहा है वो यहाँ पे आपको सैमसंग में दिख रहा है। और ये अलग मोड है सैमसंग का थोड़ा सा, जिसमें मेरी अब शक्ल इग्नोर कीजिए। और ये जो है थोड़ा नॉर्मल लाइटिंग में था। अगेन यहाँ मैं सैमसंग के साथ जाना चाहूँगा, जस्ट ओवरऑल कलर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हालांकि मोटरोला ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, बट सैमसंग ने थोड़ा कलर ज़्यादा अच्छा मेंटेन किया मेरी स्किन का। और पोर्ट्रेट मोड में ये थोड़ा अल्ट्रा वाइड भी ऑफकोर्स, और पोर्ट्रेट मोड में आपको सेम चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ। हालांकि मैं कहूँगा दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया, मोटरोला थोड़ा सा हिल गया, बट अगेन कलर साइंस जो मुझे यहाँ पे सैमसंग की ज़्यादा पसंद आई। अब चलते हैं हम नाइट टाइम वीडियोज़ की तरफ। ओके, ये है 1080p 30 FPS दोनों के फ्रंट कैमरे से, लो लाइटिंग कंडीशन है, डल माइक से आवाज़ आ रही है, आपको क्वालिटी का पता चल जाएगा। ये है 4K सैमसंग पे और फुल HD यहाँ पे मोटरोला पे, तो आपको इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है, लो लाइट कंडीशन है और स्टेबिलिटी का पता चल जाएगा। ओके, 1080p 30 FPS लो लाइट कंडीशन में दोनों मोटरोला और सैमसंग की तरफ से आपको क्वालिटी का पता चलेगा, इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है। और ये रहा अल्ट्रा वाइड कैमरा, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का भी पता चल रहा होगा आपको, मैं नॉर्मल कैमरा से भी स्टेबिलिटी दिखा देता हूँ। थोड़ा फोकस हंट इशू रहेगा मोटरोला पे, ये मैंने नोटिस किया। ओके, ये 4K 30 FPS सैमसंग और मोटरोला पे स्टेबिलिटी का आपको पता चल रहा होगा, इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है। और सैमसंग में ये अल्ट्रा वाइड में भी कर सकते हैं, तो ये भी आपको पता चल रहा होगा। दोनों का सुपर स्टेबल मोड 1080p 30 FPS में मैं रन कर रहा हूँ, तो आपको पता चल गया क्लैरिटी। अगर ये सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहा हूँ तो आपको स्टेबिलिटी और क्लैरिटी का पता चल गया होगा, इंटरनल माइक से होगा। ओके, नाइट टाइम पिक्स की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दोनों फ़ोन्स ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। जहाँ सैमसंग ने ब्लर कर दिया है, ज़्यादा स्टेबल नहीं रहा, वहीं मोटोरोला ने उतना अच्छा कलर्स नहीं लाए हैं और सीन को अच्छी तरह से लाइट अप भी नहीं किया है।
तो मैं कहूँगा दोनों ही बेकार हैं, बट अगर मुझे थोड़ा चूज़ करना होता, क्योंकि मैं सैमसंग पे थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूँ, तो सैमसंग को मैं यहाँ चूज़ करता है, जस्ट बिकॉज ओवरऑल कलर काफ़ी अच्छे हैं, और सैमसंग में आप इसे अल्ट्रा वाइड शॉट भी ले सकते हैं नाइट मोड में, जो मोटोरोला में नहीं ले सकते। इस पिक में अगेन मैं कहूँगा सैमसंग ने काफ़ी अच्छा काम किया, जो मगर एक प्रॉब्लम ये आ रही है सैमसंग की, मैंने काफ़ी ट्राई किया बट ये स्टेबल नहीं रह रहा है, तो ये आपको मतलब अपने हाथ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखने पड़ेंगे ताकि आपको एक क्लियर शॉट मिले, बट कलर्स जो हैं और जो ओवरऑल सीन है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया सैमसंग का कंपेयर टू मोटरोला। मोटरोला मतलब अच्छा कर रहा है बट फिर भी पीछे रह जा रहा है, और अल्ट्रा वाइड अगेन आप ले सकते हैं यहाँ पे सैमसंग से, जो कि डिसेंट है, मैं ये कहूँगा कुछ खास नहीं है बट ठीक है। इस पिक में अगेन आप देखोगे अगर ग्रीनरी, जो ओवरऑल डायनेमिक रेंज, घास, सब कुछ मिला के नॉइज़ लेवल, सैमसंग अगेन अच्छा है, बट वो थोड़ा बहुत हिल चुका है यहाँ पे, जैसा कि ये पूरी स्टोरी रही है। सैमसंग एक क्लीन इमेज देता है ओवरऑल कंपेयर टू मोटरोला, बट मोटरोला थोड़ा स्टेबल ज़्यादा है, पता नहीं क्यों सैमसंग इतना स्टेबल नहीं है, और ये अल्ट्रा वाइड शॉट अगेन जो आप मोटरोला से नहीं ले सकते। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इमेज आपको अगेन डिफरेंस दिखेगी। मैं ये कहूँगा मोटरोला बेकार नहीं है, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते कि मोटरोला बेकार है, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, हालांकि जो नॉइज़ लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है मोटरोला पे, बट कलर्स भी उतने अच्छे नहीं है अगर हम कंपेयर डायरेक्टली करें F62 से, जो कि काफ़ी बेटर यहाँ पे परफॉर्म करे, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों केसेस में। आप मुझे बताओ अगर आपको मोटरोला पसंद आ रहा है, बट मुझे लगता नहीं है काफ़ी लोगों को मोटरोला पसंद आएगा इस केस में। और इस पिक में भी अगेन अगर आप देखोगे तो ये अल्ट्रा वाइड आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगेन सैमसंग हिल गया है, तो मैं कहूँगा कि सैमसंग को आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना पड़ेगा, बट यहाँ पे ओवरऑल जो पिक आनी थी अगर हिला नहीं होता तो सैमसंग मुझे काफ़ी बेटर लगती, और इस केस में भी ये सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जस्ट जो कलर्स हैं और जो ओवरऑल यहाँ नॉइज़ लेवल है, अगर आप आसमान की तरफ देखोगे आपको डिफरेंस दिखेगा मोटरोला और सैमसंग में, सैमसंग जस्ट बेटर है कंपेरेटिवली, जस्ट आपको थोड़ा स्टेबल रखना है इसे। और फाइनली ये एक पिक्चर रहेगी जहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे मोटरोला ने काफ़ी अच्छा काम किया बाय द वे, बट मैं कहूँगा सैमसंग ओवरऑल ज़्यादा एस्थेटिक पिक्चर है कंपेयर टू यहाँ पे मोटरोला। नाइट टाइम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सैमसंग ने तबाही कर दी है पिक्चर पूरी, आप देख सकते हैं कितनी नॉइजी पिक्चर है, मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, जबकि मोटरोला काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और 10 times जूम करेंगे तो आपको दिखेगा डिफरेंस। बेसिकली अगर नॉइज़ लेवल नहीं होता तो सैमसंग ज़्यादा शार्प था और मोटरोला कम शार्प था, तो ये एक चीज़ बड़ी अजीब सी थी नोटिस करने वाली कि इतनी नॉइज़ क्यों है, बट डेफिनेटली आपको यहाँ पे शार्पनेस का एक डिफरेंस दिख रहा है, जो कि सैमसंग का ऑफ कोर्स ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू यहाँ मोटरोला मोटो जी 5G। तो बस यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो बस यहीं पर हमारा कंपैरिजन खत्म होता है, जो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी यहाँ पे सैमसंग की। मुझे पर्सनली जो कलर्स है, जो डायनेमिक रेंज है, सब कुछ पसंद आया सैमसंग का। आपको अगर कुछ और पसंद आया तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है, देखते हैं कि कौन कौन यहाँ पे मोटरोला का साथ दे रहा है और कौन कौन यहाँ सैमसंग का साथ दे रहा है। तो जाओ कमेंट करो, जल्दी जल्दी जाओ कमेंट करो और मुझे बताओ। बट फिलहाल के लिए यहाँ वीडियो हम ख़त्म करते हैं। तो अब आते हैं हमारे स्पॉन्सर पे, गाना पी। गाना पी एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आपको एक गाना सुनाया जाएगा, एक क्लिप सुनाई जाएगी गाने की, और वहाँ पे आप 4 options होंगे जिसको आपको चूज़ करना है। ये कंपटीशन की तरफ चलेगा, आपके पास लाइव्स होंगी या आपके पास टाइम के हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स का कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। साथ में आप डेकेड्स चूज़ कर सकते हैं, समझ लो आपके पापा जो है 1960s में एक्सपर्ट है, तो आप चाहते हो कि उनको अभी आज के गाने सुना के उनको थोड़ा चैलेंज किया जाए, तो आप वो 2010 का डेकेड चूज़ कर सकते हो। आप 1960, 1970, 80, 90 अलग अलग डेकेड चूज़ कर सकते हो, तो मतलब वैरायटी जो रहेगी 1960 से 2010 या 2020 तक रहेगी, लेटेस्ट गाने भी अवेलेबल है। सेकेंड ऑप्शन ब्लॉग्स का है, जहाँ पे आपको बॉलीवुड के बारे में सारी लेटेस्ट न्यूज़, सारी गॉसिप, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा एक ही स्पॉट पे। तो अगर आप एक बॉलीवुड बफ है या आप गॉसिप्स वगैरह एंजॉय करते हैं बॉलीवुड की, आपको मतलब शौक है ये सब देखने का, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऐप है, आपको कुछ पे नहीं करना है। आपको जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ खेल सकते हैं। आई होप आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि मैंने खूब इंजॉय किया इसको, मैंने भी ये यूज़ किया और मैंने भी ये डाउनलोड किया और मुझे काफ़ी मज़ा आया, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आप डाउनलोड कीजिए, इंजॉय कीजिए, जैसे कि आपने इस वीडियो को इंजॉय किया मेरी वाली। तो अगर आपको वीडियो भी पसंद आई तो उसको भी लाइक करना मत भूलना, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कीजिए जितने लोगों को करवा सकते हैं उनसे सब्सक्राइब करा लीजिए। मैं आता रहता हूँ ऐसी टेक वीडियोज़ के साथ और आगे भी आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।